पार्ट था, वो तीन पार्ट का था, तीन पार्ट का अपने पास में डिवाइडेड था। कौन कौन से अपने पास में तीन पार्ट थे? अपने पास में तीन पार्ट थे, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी अपना पावर सिस्टम होता है, जो होल पावर सिस्टम है, उसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? आपका पहला होता है जनरेशन, दूसरा होता है ट्रांसमिशन, और तीसरा होता है आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए अपन ने जनरेशन जनरेशन अपन किस किस तरीके से अपन जनरेट करते थे इलेक्ट्रिकल पावर को, वो चीज अपन ने डिस्कस की थी। ठीक है, जैसे अपन फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, विंड पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड थे जिनके द्वारा अपन क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करते थे, जनरेट करते थे। तो इलेक्ट्रिकल पावर को बेसिकली अपन ने पहला पार्ट था अपने पास जनरेटर। ठीक है, तो जनरेट कर लिया। और जो जनरेशन भी था, वो आपके जो इनपुट जो जिस तरीके से दिया जा रहा था, इनपुट जो चीज आप मतलब इनपुट में यूज कर रहे हो, जैसे मान लो आपके पास में सोलर पावर प्लांट है, तो अपन उसमें क्या यूज करते हैं, सन रे यूज करते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है, तो उसमें अपन हीट यूज करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया जाता है, थर्मल पावर, थर्मल रख दिया जाता है। ठीक है, विंड पावर प्लांट है, तो उसमें अपन हवा यूज करते हैं, और ठीक है एयर यूज करते हैं, तो इसीलिए उसको विंड पावर प्लांट का नाम से रख दिया जाता है। ठीक है, तो इन सभी के द्वारा अपन क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करने के बाद में अब इसका दूसरा जो काम आता है, दूसरा जो काम आता है कि अपन को कहाँ तक पहुंचाना है, जहां पर अपन को ये इलेक्ट्रिकल पावर क्या करनी है, यूटिलाइज करनी है, यूटिलाइज करने, जहां पर ये इलेक्ट्रिकल पावर का यूज है, जहां पर ये इलेक्ट्रिकल पावर यूज होगी, वहां पर आपको क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए अपने पास में दो मेथड होते हैं, एक होता है आपके पास में ट्रांसमिशन, एक होता है आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन वाला कौन सा पार्ट होता है कि ट्रांसमिशन वाला पार्ट जो होता है, जो आपका जनरेशन से और जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहले वाला जो बीच वाला पार्ट होता है, वो वाला अपन क्या कर देते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में क्या है, ये तो आपके पास में जनरेशन था। जनरेशन के आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट पावर प्लांट है, जो 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 कि किस तरीके से आपके पास में वर्किंग वर्क करते हैं, इन सभी के बारे में अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जियो थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, फोटो वोल्टिक पावर प्लांट हो गया, विंड पावर प्लांट हो गया। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, ये सारे पावर प्लांट होते हैं, इनके द्वारा अपन क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल जनरेट करते थे। ये अलग अलग इनका सबका डिस्क्रिप्शन है कि थर्मल पावर प्लांट किस तरीके से वर्क करता है, और सभी में क्या लगा हुआ चीज रहती है, सभी में कॉमन चीज क्या रहती है, सभी में टरबाइन लगी रहेगी। ठीक है, जो वो क्या होती है, आपके पास स्टीम टरबाइन होती है, जितने भी पावर प्लांट होते हैं सभी में क्या लगा रहता है, स्टीम टरबाइन लगी रहती है। वो स्टीम टरबाइन किससे कनेक्टेड रहती है, आपके जनरेटर से। स्टीम टरबाइन किससे कनेक्टेड रहती है, जनरेटर से। और जनरेटर क्या करता है, आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करता है। किसको जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को आपको जनरेट कर देता है, और उससे अपन को क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। और उसी आउटपुट, जो इलेक्ट्रिकल पावर जो आउटपुट में मिल रहा है, उसी इलेक्ट्रिकल पावर को अपन क्या कर देते हैं, स्टेप अप करते हैं, बाय यूजिंग द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के द्वारा अपन क्या कर देते हैं, उसको स्टेप अप कर देते हैं, फिर अपन उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट भी आपके पास में दो टाइप के होते हैं। वन इज द गैस थर्मल पावर प्लांट एंड सेकेंड इज द ऑयल थर्मल पावर प्लांट। इन दोनों थर्मल पावर प्लांट में आपके पास एक में गैस बर्न होता है, और एक में क्या होता है, आपके पास में कोयला बर्न होता है। दोनों के द्वारा क्या है, स्टीम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और स्टीम कन्वर्ट होने से ही आपके पास में क्या है, जो स्टीम टर्बाइन है वो क्या करती है, जैसे रोटेट करने लग जाती है, और रोटेट करने से ही आपका क्या होता है, आपके पास में जो टरबाइन रोटेट करने से आपके पास में क्या, जनरेटर आपका रोटेशन कर देने लग जाता है, जनरेटर आपका जनरेट करने लग जाता है इलेक्ट्रिकल पावर को, और जनरेट करने से आपका क्या हो जाता है, जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से तो आपको क्या हो जाता है, थर्मल पावर प्लांट काम करता है, जिसमें अपने पास में क्या है, कोयला होता है, तो कोयले को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में आप कन्वर्ट कर दिया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद में आप क्या है, बॉयलर में डाला जाता है। बॉयलर में क्या होता है, वो कोयला बर्न होता है, बर्न होने के बाद स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये सारे बहुत सारा प्रोसेस है जो कि अपन पहले से ही कवर कर चुके हैं। ठीक, आफ्टर दैट अपने पास में आता है क्या, हाइड्रल पावर प्लांट। तो हाइड्रल पावर प्लांट, इन द हाइड्रल पावर पावर स्टेशन द वाटर हैज टू यूज टू ड्राइव द वाटर टर्बाइन कपल्ड टू द जनरेटर।
वाटर हेड मे बी अवेलेबल इन द हिली रीजन एंड नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ वाटर रिजर्वर एट द हिल टॉप. द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैन बी यूज टू ड्राइव द टर्बो जनरेटर. मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वाटर हेड मे बी ऑल्सो द क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाई द कंस्ट्रक्टिंग डैम ऑन द सुटेबल रिवर. इसके द्वारा क्या किया जाता है, आपके पास सुटेबल डैम बनाया जाता है, रिवर बनाया जाता है, और उससे जो वाटर का जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो आपके पास में कौन सी है पोटेंशियल एनर्जी है, उसी को अपन क्या करते हैं, अपन जो टरबाइन होती है टरबाइन के ऊपर डालते हैं, तो उससे क्या आपके पास में कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, और उसको ही अपन क्या कर देते हैं अपने पास जनरेटर के द्वारा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, ये आपके पास में कौन सा था, हाइड्रो पावर प्लांट, जिसका अपने पास में ये आपका क्या होता है, बेसिक डायग्राम होता है. ठीक है, ये बेसिक डायग्राम होता है और इसके द्वारा अपन क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल जनरेट करते हैं. इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. हेलो, ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, यस सर, यस सर। ओके ओके, ठीक है. इसके बाद अपने पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसके बारे में अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं. इसमें भी क्या होता है अपने पास में, इसमें भी क्या होता है अपने पास में, कि अब जो न्यूक्लियर होता है उसको क्या किया जाता है, फ्यूजन, और जिसमें क्या है अपने पास में जो उसके अंदर की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को अपन क्या यूज में लेते हैं, और उसी एनर्जी को अपन क्या कर देते हैं, जो वाटर होता है वाटर को गर्म करने में, हीट करने में अपन क्या यूज लेते हैं, और उससे क्या है स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी स्टीम को अपन स्टीम टरबाइन पर रोटेट कर देते हैं. तो इस तरीके से अपने पास में न्यूक्लियर पावर प्लांट भी काम करता है. ठीक है, जैसे अपने पास एक होता है अपने पास विंड पावर प्लांट, जिसमें अपने पास में क्या है, हवा के जो मोशन होता है, हवा का जो रोटेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. उसके द्वारा अपना क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसमें क्या है अपने पास रोटर ब्लेड्स लगे रहते हैं, गियर बॉक्स एंड जनरेटर आपका कनेक्टेड रहता है, और जिसके द्वारा अपना क्या होता है, जनरेशन स्टार्ट हो गया. ठीक है, जियो थर्मल पावर प्लांट, जो कि अंदर की हीट के द्वारा किया जाता है. उसके बाद है अपने पास सोलर पावर प्लांट, जिसको अपन कन्वर्ट कर दिए जाते हैं. ठीक है, सोलर आपको पता है कि जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं उनको वो क्या करते हैं, सोलर जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, जो थर्मल जो सन रे होती है, सन रे जो फोटोवोल्टिक रे होती है, एरे सन रे की जो हीट एनर्जी होती है उसी को अपन एब्जॉर्व कर लेते हैं. एब्जॉर्व करने के बाद में वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल में. कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल में. और इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करने के बाद में, क्योंकि यहाँ से क्या होता है आपके पास डीसी जनरेशन होता है, बस ओनली सोलर पावर प्लांट ही ऐसा है जिसके द्वारा अपन क्या कौन सा जनरेशन होता है, डीसी जनरेशन होता है. बाकी सभी के साथ में क्या कैसा जनरेशन होता है, एसी जनरेशन. ठीक है, तो उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, इन्वर्टर लगाते. ठीक है, फिर अपन डायरेक्टली क्या यूज कर लेते हैं, अपन उसको या तो स्टोरेज कर लेते हैं, स्टोरेज करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, बैटरी वगैरह यूज लगा देते हैं. ठीक है, और टीवी लगा देते हैं, मतलब डायरेक्टली अपन क्या कर देते हैं, डायरेक्टली अपन जो कोई भी अपने पास में जो होम एप्लीकेशन वगैरह होते हैं उनको क्या कर देते हैं, डायरेक्टली अपन सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं. ठीक है, इसके बाद में अपने पास में क्या आता है, देखिए यहाँ से अपना स्टार्ट होता है जो बेसिक अपने पास में जो है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. अभी तक तो अपने पास में क्या पढ़ रहे थे, जनरेशन वाला पार पढ़ रहे थे. ठीक है, अब ट्रांसमिशन आपके पास है, यहाँ पर देखिए तीन पार्ट में डिवाइडेड है. पहला अपने पास जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन, चौथा वो सॉरी तीसरा अपने पास है डिस्ट्रीब्यूशन. इनको अलग अलग कलर कोडिंग से भी यहाँ पर बताया गया है. कलर कोडिंग का जैसे मान लो जनरेशन दे दिया, जनरेशन का आपको किससे ब्लैक कलर से दिखाया गया, और ट्रांसमिशन आपका किस तरीके से ब्लू कलर से, एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस तरीके से दिखाया गया है, ग्रीन से. तो ये अलग अलग आपके पास में पार्ट होते हैं, और कौन सा पार्ट आपका ट्रांसमिशन होता है, कौन सा पार्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये आपको क्लियरली विजिबल होगा.
तो देख रहे होंगे आपका जो ट्रांसमिशन जो वाला जो पार्ट है, जनरेशन के जस्ट वाला और डिस्ट्रीब्यूशन से जो पहले वाला पार्ट है वो कौन सा कहलाता है आपके पास में? ट्रांसमिशन पहले वाला पार्ट मीन्स आपका पास में मान लो कोई भी आपके पास हो, जैसे मान लो बिहार स्टेट में आपका कोई भी जनरेशन स्टार्टअप कोई पावर प्लांट लगा हुआ है, अब आपको किसी दूसरे स्टेट में आपको भेजना है, तो उस स्टेट का जो बिहार से और दूसरे स्टेट तक जो आने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी अपन भेजेंगे, तो वहां तक जो भेजने का जो रास्ता है, वहां तक जो ट्रांसफर करने का जो वे है, वही क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन कहलाता है। और वो वाला जो ट्रांसमिशन लाइन की जाते है, जो ट्रांसमिशन लाइन हमेशा जो स्टील के पोल वगैरह होते हैं, स्टील टावर होते हैं, उनके द्वारा अपन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपके पास में स्टेट के बाहर या डिस्ट्रिक्ट के बाहर में जो भी लाइन आ जाती है, फिर उसका क्या हो जाता है? अलग 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 क्या करने लग जाते हैं? अपन डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हैं। मतलब इस एरिया को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस एरिया को अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस एरिया को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर डिस्ट्रीब्यूट कर, वहां पर क्या लगे रहते हैं? छोटे छोटे सब स्टेशन लगे रहते हैं। वहां पर सब स्टेशन क्या करते हैं? फिर अलग अलग दूर 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 तक, मतलब अलग अलग वहां पर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। पहले सब स्टेशन के पास में सप्लाई आएगी, सब स्टेशन के सब पास में सप्लाई कहाँ से आ जाएगी? ट्रांसमिशन से आ जाएगी। और ट्रांसमिशन के बाद में क्या हो जाएगा? फिर वहां से सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्या होता है? तो देखिए, इसको बोला जाता है क्या? सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन इज द टू पार्ट, वन इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकंड इज द सेकेंडरी ट्रांसमिशन। जब अपन जनरेशन 11 KV का करते हैं, तो 11 KV के बाद में क्या करना होता है? अपन को स्टेप अप करना होता है, स्टेप अप। और स्टेप अप करने के बाद में अब आपको क्या करना होता है? उसको ट्रांसफर करना होता है। तो जहां तक आपके पास में, जैसे मान लो आपने 11 KV को 132 KV में कन्वर्ट कर दिया, तो 132 KV की जो भी लाइन जाएगी, वो वाली लाइन क्या कहलाएगी आपके पास में? प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। उस वाली लाइन को क्या बोल देंगे अपन? प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन बोल देंगे। उसको अपन कौन सी लाइन बोल देंगे? प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है? ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? प्राइमरी ट्रांसमिशन हो जाता है। दूसरा आ जाता है आपके पास में क्या? सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन, जब जैसे ही आपने 132 KV की जो लाइन जा रही है उसको आप क्या कर दोगे? उसको जैसे आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें? 66 KV में। तो 66 KV की जो भी लाइन जाएगी उसको अपन क्या कर देते हैं? स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन करने के लिए अपन क्या कर देते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। उसके द्वारा अपन जैसे ही अपन कन्वर्ट कर देते हैं किसको? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर 66 KV का 66 KV में। तो जो 66 KV की जो भी लाइन होगी, वो वाली लाइन क्या कहलाएगी आपके पास में? कौन सी लाइन कहलाएगी आपके पास में? प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के बाद में अब आपका क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। जहां से ही जैसे ही सेकेंडरी ट्रांसमिशन खत्म होता है, मतलब 66 KV तक, तो आपका क्या कौन सा कहलाता है? या 66 KV को छोड़ो, 33 KV तक की जो लाइन होती है उसको भी क्या बोल देते हैं अपन? सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन बोल देते हैं। अब 33 KV या 66 KV को अपन कन्वर्ट किया जाता है किसमें? 11 KV में। तो जो 11 KV की जो लाइन रहेगी वो कहलाएगी आपके पास में? कौन सी वाली लाइन कहलाएगी? उसको बोल दिया जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। उस वाली लाइन को कौन सा वाली लाइन बोला जाता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोल देते हैं। उसको अपन कौन सी वाली लाइन बोल देते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो जो यहाँ से अब क्या करेंगे, जो बड़े बड़े मतलब फैक्ट्री वगैरह होते हैं, बड़े बड़े मतलब आपके पास में मॉल वगैरह होते हैं, बड़े बड़े आपके पास में क्या होते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह होते हैं, बड़े बड़े आपके पास में जैसे वालों आपके जो फ्लैट्स वगैरह होते हैं, तो उनको क्या चाहिए? 11 KV की सप्लाई चाहिए। उनको डायरेक्टली क्या चाहिए? अपने पास में 11 KV की सप्लाई चाहिए। तो वो क्या करते हैं, यहीं से जो आपके पास में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, वहीं से वो क्या कर देते हैं? वो डिस्ट्रीब्यूशन प्राइमरी जैसे ही स्टार्ट होता है, वहीं से आप लोग क्या कर लेते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, वहीं से सप्लाई ले लेते हैं। तो वो वाला लाइन के अंदर कौन सा कहलाता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आप उसको 11 KV कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? 220 या 440 वोल्ट में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोल देते हैं। उसको अपन कौन सा लाइन बोल देते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन
एंड प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो आपका ट्रांसमिशन इज द ऑल्सो टू पार्ट, वन इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी ट्रांसमिशन। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज द ऑल्सो टू टू टाइप, वन इज द प्राइमरी ट्रांसमिशन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। डिपेंड ऑन वोल्टेज, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है बस कि आपने कितनी वोल्टेज आपने ट्रांसफर किया, तो वो ट्रांसफर के उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन। ये देखिए, ये आपको आप आसानी से बता सकता है कि कौन सा क्या प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, कौन सा क्या सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। और जो ट्रांसमिशन होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो फीडर्स के अकॉर्डिंग होता है। फीडर के द्वारा अपन क्या करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, पावर स्टेशन, पावर स्टेशन जहां पर आपने पास, अब ये अलग अलग पार्ट को मैंने अलग अलग इलेबरेट कर दिया। अभी तक तो मैंने क्या किया था, सभी जो कॉमन थे सबको मैंने एक साथ समझाया था। अब ये क्या है, अलग अलग सबको कर दिया। ठीक है, तो पावर स्टेशन जहाँ पर आपका पावर का जनरेशन होता है, वो वाला स्टेशन क्या कहलाता है आपके पास में, पावर स्टेशन। यहाँ पर ज्यादातर आपके पास में 11 KV का जनरेशन होता है। ठीक है, ये आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन। आफ्टर दैट, इसमें प्राइमरी ट्रांसमिशन कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं उनके बारे में। ठीक है, इसके बाद है आपके पास में सेकेंडरी ट्रांसमिशन, और इसके बाद में आपके पास में क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में आपके पास में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये आपके पास में क्या होता है, सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। ये आपका क्या है, पावर सिस्टम का क्या है, डायग्राम है, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर देते हैं, पावर सिस्टम किस तरीके से आपका वर्क करता है, किस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट रहता है, किस तरीके से आपके पास में वो। इसके बाद आता है आपके पास में फीडर डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसमैन। कौन बताएगा क्या फीडर कौन से होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं, सर्विसमैन कौन होते हैं, जल्दी बताइए। फिर अपन को न्यूमेरिकल भी करना है, अभी 20 मिनट है अपने पास में। कोई बताएगा? हेलो दुष्यंत, फीडर सर क्या होता है, फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, एंड सर्विसमैन क्या होता है? सर डिस्ट्रीब्यूटर तो होता है जो सप्लाई जहाँ से आती है वहां तक प्रोवाइड कराने का, वो डिस्ट्रीब्यूटर सर सर होता फीडर है। सर फीडर सर जो जैसे मतलब जो जो जैसे होता है सप्लाई में, मतलब किसके द्वारा आते हैं जी, मतलब जो यूज किया जाता है मटेरियल उसको, यस ठीक फीडर। यस, है। एंड सर्विस सर, एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट आई मीन अदर क्वेश्चन, सर्विस में। हाँ सर्विसमैन, देखिए मैं बताता हूँ। पहली बात तो आपको ये चीज आपको पता रहनी चाहिए कि ये तीनों ही चीज होते क्या है, कंडक्टर होते हैं। फीडर इज द आल्सो एक वन टाइप ऑफ कंडक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर इज द आल्सो वन टाइप ऑफ कंडक्टर, एंड सर्विसमैन इज आल्सो वन टाइप ऑफ कंडक्टर। तीनों ही क्या होते हैं आपके पास, कंडक्टर होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द वर्किंग, अकॉर्डिंग टू द सप्लाई, अकॉर्डिंग टू द सेफ, इनका नाम अलग अलग रखते जाते। सब स्टेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक जो सप्लाई प्रोवाइड करने का जो काम करता है, सब स्टेशन से लेकर सप्लाई तक जो काम करने वो सप्लाई प्रोवाइड करता है डिस्ट्रीब्यूटर को, मतलब सब स्टेशन से सप्लाई लेकर किसको प्रोवाइड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर तक, तो वो वाला कंडक्टर क्या कहलाएगा आपके पास में, फीडर कहलाएगा। देखिए, फीडर इज ए कंडक्टर विच कनेक्ट द सब स्टेशन टू द एरिया वेयर द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जहां पर अपन जहां तक जहां एरिया तक अपन को पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उस एरिया तक जो सप्लाई प्रोवाइड करेगा वो किसके द्वारा प्रोवाइड करेगी, फीडर के द्वारा प्रोवाइड। सर सब स्टेशन से लेकर ट्रांसफार्म तक ये जो हाँ एरिया है वो फीडर कहलाता है। हाँ मतलब आपके पास में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, ट्रांसफार्मर तक आपका कौन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, फीडर फीडर के प्रोवाइड कर देगा। जिसको अपन बोल देते हैं ना कि फीडर का मतलब होता है फेज की तरफ, मान लो। ठीक है, दूसरा होता है आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटर। अब जैसे ही आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, इधर के सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, इधर अलग सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, तो इसमें क्या होता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का मतलब है कि अलग जिसको जैसी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसी वोल्टेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हाँ डिस्ट्रीब्यूट सर, करेगा जहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर न्यूट्रल स्टार्ट हो जाता है वहां से डिस्ट्रीब्यूट। है ना।
अब देखिए, अब डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या होगा कि ये सब उससे फीडर से सप्लाई लेगा और किसको प्रोवाइड कर देगा, सर्विसमैन को। फीडर से सप्लाई ले लेगा और किसको प्रोवाइड कर देगा, सर्विसमैन को से सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर इज द कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फॉर द सप्लाई टू द कंज्यूमर। तो किसको प्रोवाइड कर देगा सप्लाई, कंज्यूमर को। मतलब आपके पास ये क्या कर देगा, आपका सप्लाई प्रोवाइड कर देता है किससे, फीडर से लेकर और सर्विसमैन को। अब सर सॉरी, सर्विसमैन क्या होती है, जैसे आपके पास में, मैं आपके पास में आम भाषा में समझाऊं कि अपने जो जो अपने ट्रांसफार्मर तक जो सप्लाई आई वो तो किससे आई, फीडर से आई, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर के बाद में जो सप्लाई जाएगी, जो मीटर तक जाएगी, जैसे मान लो इस मीटर में अलग, इस मीटर में अलग, इस मीटर में अलग, तो वो कौन करेगा आपके पास में, उसको बोल दिया जाता है एज ए मान लो डिस्ट्रीब्यूटर। उसको अपन क्या बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। या फिर मान लो जैसे मान लो कॉलोनी में बोल दी कि इस कॉलोनी में अलग, इस कॉलोनी में अलग, इस गली में अलग, इस गली में अलग, जैसे स्ट्रीट में अलग, इस स्ट्रीट में, तो वो कौन बोल दिया जाता है आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूटर। उसका वो कौन सी लाइन कहलाती है आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूटर। अब अलग अलग मीटर से अलग अलग होम को, अलग अलग घर को सप्लाई जाएगी, तो वो किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को। तो वो वाली लाइन क्या कहलाएगी आपके पास में, सर्विसमैन कहलाएगी। तो सर्विसमैन इज ए स्मॉल केबल, जो छोटी छोटी केबल होती है उनको बोला जाता है सर्विसमैन इज ए स्मॉल केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर टर्मिनल। जो कंज्यूमर का टर्मिनल होता है, कंज्यूमर जहाँ पर यूज करता है, उस टर्मिनल तक जो वाला जो लाइन होती है, जो केबल होती है, उसी वाली केबल को क्या बोल दिया जाता है, सर्विसमैन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में तीन जो होते हैं, कंज्यूमर, फीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये आप आसानी से समझ सकते हो इस सर्किट डायग्राम के थ्रू, इस सर्किट डायग्राम के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए, सर्विसमैन क्या होता है, फीडर क्या होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं। तो देखिए, जो एस लगा हुआ है वो क्या है, जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन। तो एस से एम तक और एस से ओ तक जो लाइन है, वो वाली लाइन क्या कहला रही है आपके पास में, फीडर। उस वाली लाइन को क्या बोल रहे हैं अपन, फीडर। एस एम या एस ओ क्या बोल रहे हैं उसको, फीडर, ठीक है। अब देखिए, एम पी ओ एम एन ओ, एम पी ओ एम एन ओ, ये वाली लाइन क्या कहला रही है आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूटर। इन लाइनों को क्या कर रहे हैं अपन, डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं, ठीक है। और ये देखिए, एम पी ओ ये वाली लाइन क्या कहला रही है आपके पास में, डिस्ट्रीब्यूटर। तो देखिए, यहाँ से अलग 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 अपन क्या कर रहे हैं, सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से इसको अलग सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, इस वाले केबल को अलग सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, उनसे क्या है अपन को अलग अलग सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। सर्विसमैन क्या करें, डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई प्रोवाइड कर, सप्लाई लेके कंज्यूमर्स को सप्लाई प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये होते हैं। आप फीडर के टाइप्स होते हैं, तो फीडर कितने टाइप के होते हैं, तो फीडर ये भी आपके पास में, फीडर इज द थ्री टाइप, रेडियल फीडर, पैरेलल फीडर एंड रिंगमैन फीडर। तो ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, रेडियल फीडर कौन सा होता है ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। पैरेलल फीडर जिसमें दो फीडर आपके पास में पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं वो कहलाता है। रिंगमैन फीडर जो आपके पास में पूरा होल सिस्टम इंटरनली कनेक्टेड रहता है, इंटरनली किसकी तरह, रिंग की तरह कनेक्टेड रहता है, वो वाला फीडर क्या कहलाता है आपके पास में, रिंगमैन फीडर, ठीक है। रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास में, अब डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अपने पास में चार टाइप के डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थे। जब अपन सिंगल एंड पर सप्लाई देते हैं और बाकी एंड पर क्या लेते हैं अपन, लोड लेते हैं, तो वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाता था, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए वन एंड, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए वन एंड। अब दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए फोर्थ एंड, मतलब दोनों एंड पर अपन क्या करेंगे, सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे और बीच में से क्या ले लेंगे अपन, लोड निकाल लेंगे। बीच में से अपन क्या निकाल लेंगे, लोड निकाल लेंगे। तो उसको बोला जाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए फोर्थ एंड। इसमें भी दो टाइप के आपके पास में सप्लाई सिस्टम होते हैं, एक होता है बैलेंस सप्लाई सिस्टम और एक होता है अपने पास अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। बैलेंस्ड का मतलब है कि जब दोनों एंड पर आप क्या देते हो, इक्वल सप्लाई देते हो, तो वो वाला क्या बोला जाता है, बैलेंस सप्लाई सिस्टम।
जब दोनों एंड पर आप क्या कह देते हो, डिफरेंट सप्लाई सिस्टम होता है, अनबैलेंस्ड होता है, मतलब इस एंड पर 230 पर, इस एंड पर मान लो 110 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आपके पास अनबैलेंस सप्लाई सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए सेंटर। डिस्ट्रीब्यूटर फेड एट ए सेंटर मतलब इसका मतलब क्या है कि आप सेंटर में तो क्या करोगे, सप्लाई प्रोवाइड कर दोगे, और दोनों तरफ क्या ले लोगे अपन पास लोड कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देंगे अपन, लोड कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद में आता है रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें भी वही है कि जो वो किसकी तरह कनेक्टेड रहता है, रिंग की तरह कनेक्टेड रहता है। ठीक, अब ये देखिए वन एंड पर जब फीड वो देते हैं तब आपका इस तरीके से होता है, और दूसरे एंड पर देते हैं तब देखिए आपके पास में दोनों एंड पर देते हैं तो इस तरीके से होता है। ये सारे आपके पास में दे रखे हैं, जैसे मान लो दोनों एंड पर अपन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो इस तरीके का होता है। ठीक है, मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था आपसे, हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए, वो नहीं हुआ है तो मैं दोबारा से बताता हूँ, अगर हो गया है तो कोई बात नहीं, बताइए किसी कोई प्रॉब्लम। यहाँ तक पूरी मतलब आपके पास में पूरी यूनिट अभी खत्म होने वाली है, तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए, क्योंकि अगर मान लो यहाँ तक नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे अपने पास अभी जो यूनिट पूरी खत्म होने वाली है। बताइए जो क्लास ले रहे हैं वो, तो ठीक है। सर तो मैं स्क्रीन शेयर करूं, किसी ने नहीं किया था कल वाला क्वेश्चन? नाइस सर, नहीं किया, और देखिए अब मैं बताता हूं, अभी अपने पास में कम से कम नहीं 12-13 मिनट है, पर देखना ध्यान से उसको, मैं थोड़ा तो उसको थोड़ा फास्ट समझाऊंगा। देखिए अपने पास में ये वाला क्वेश्चन था, जिसमें अपने 240 वोल्ट क्या दे रहे थे, अपन सप्लाई दे रहे थे इनपुट में, और बाकी एंड पर ये क्या लगा हुआ है, 20 एम्पियर का लोड लगा हुआ है, 10 एम्पियर का लोड लगा हुआ है, और 15 एम्पियर का लोड लगा हुआ है, और 5 एम्पियर का लोड लगा हुआ है। अब आपसे पूछा गया है कि वी ए फाइंड आउट कीजिए, वी बी फाइंड आउट कीजिए, वी सी फाइंड आउट कीजिए, वी डी फाइंड आउट कीजिए, एंड वी ई फाइंड आउट कीजिए, आपको ये सारी चीज फाइंड आउट करनी है। तो ये बताइए वी ए का मतलब ए नो ए एंड पर वोल्टेज, वी बी का मतलब बी एंड पर वोल्टेज, वी सी का मतलब सी एंड पर वोल्टेज, एंड वी डी का मतलब डी एंड पर वोल्टेज, और वी ई का मतलब ई एंड पर वोल्टेज। ठीक है, आता किसी कोई प्रॉब्लम है अच्छा ना। अब देखिए मेरे को ये बताइए, जब अपन यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे इस वाले एंड पर, तो पहले तो देखिए इन दोनों के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, तो जितना यहाँ पर वोल्टेज होगा उतना ही कहाँ पर होगा, ए पॉइंट पर होगा, उतना ही वोल्टेज कहाँ होगा, यहाँ पर। तो वी ए का तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट आ गया डायरेक्टली। अब देखिए वी बी पे निकालूंगा, मतलब बी एंड पर वोल्टेज निकालूंगा, तो वी ए माइनस वी ए बी, वी ए बी का मतलब इन दोनों के बीच के जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वाला वोल्टेज मैं माइनस कर दूंगा, तो वो कौन सा निकल जाएगा अपने पास, वी बी निकल जाएगा। तो वी ए की तो वैल्यू आपके पास में है 240 वोल्ट, पर वी ए बी नहीं है, तो वी ए बी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है आपके पास में आई इंटू आर, वी ए बी बराबर क्या होता है आई इंटू आई, वो आई इंटू आर। अब देखिए आई आई मतलब करंट, तो यहां से देखो टोटल करंट पास होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में क्या है सोर्स है, तो सोर्स से लोड की तरफ ही तो सबसे जो जितना भी करंट फ्लो होगा वो सारा करंट कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ। तो टोटल करंट कितना फ्लो होगा, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर एंड 15 एम्पियर एंड 5 एम्पियर, तो टोटल आपके पास हो गया 20 प्लस 10 30, 30
30 + 45 और ये हो जाएगा अपने पास 50, और टोटल करंट आपका फ्लो होगा कितना 50 मल्टीप्लाइड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 0.2, तो इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 10 वोल्ट। तो यहाँ से इन दोनों के बीच का जो वी ए बी है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कितना हो रहा है 10, तो 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 240 - 10 = आ जाता है आपके पास 30। सेम इसके लिए भी यही, तो इसमें कितना हो जाएगा 230, तो ये हो जाएगा अपने पास वी बी, तो वी बी माइनस वी बी सी, वी बी माइनस वी बी सी, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ से वी बी सी किस तरीके से निकालोगे, आई इंटू आर, वही। तो आई कितना है अब यहाँ से देखिए, ये 20 एम्पियर। अब इसमें मैं करंट देखूंगा इस वाले, अब देखिए यहाँ पर जो करंट है वो करंट देखूंगा, तो यहाँ पर करंट कितना फ्लो होगा, यहाँ से अब 20 तो उठा दो, तो यहाँ से करंट कितना होगा 30 रह जाएगा। तो 30 × 0.3, तो 30 × 0.3 इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास है 9 वोल्ट। तो 230 - 9 वोल्ट इज इक्वल टू आपके पास है वी सी आ जाएगा आपके कितना 221 वोल्ट। बताइए यहाँ तक किसकी कोई कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए आगे, देखिए वी डी, वी डी भी किस तरीके से निकालेंगे कि वी सी माइनस वी सी डी, वी सी माइनस वी सी डी, तो इस तरीके से आप ये भी निकाल लोगे वी डी। और इसी तरीके से आपको क्या निकल जाएगा, वी डी निकल गया, वी ई निकल जाएगा, तो 4 वोल्ट आपके पास निकल। अब आप लोग इसको सॉल्व करके बताइए मेरे को, चलो इन दोनों का बता दो, बाकी दो का आप घर से कर लेना, जल्दी से बताओ देखिए कितना वोल्टेज आता है। बताइए, सेम आपका यही प्रोसीजर है, जल्दी से। हेलो, आवाज तो आ रही है सभी को? हाँ, यस सर। तो बताओ कि किस तरीके से करेंगे आप लोग, इसको करके बताओ। पहले तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह होगा जिस तरीके से अभी मैंने बताया। यहाँ पर तो देखिए कितना आ जाएगा, पहले तो वी पी कितना आ गया 230 वोल्ट। अब मेरे को क्या निकालना है, वी क्यू, तो वी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी पी माइनस इन दोनों के बीच की वोल्टेज ड्रॉप, तो ये कितना हो जाएगा वी पी क्यू। तो पहला का आंसर जी क्यू का होगा 225, दूसरे का कितना आया, 225 था पहले का जी क्यू का। यू पी का कितना आया 225। और आगे बताओ, आगे इसका कितना आया, आगे बताओ। पहले देखिए वी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखिए, टोटल करंट कितना होगा 40 + 30 = 70, और 70 ये कितना हो जाएगा 110 हो गया। थर्टी सेवेंटी सेवेंटी का 85 85 90, तो 110 हो गया। तो 110 × कितना हो जाएगा 0.2, तो 110 × 0.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना 208। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया था आपके पास में 225, किस तरीके से निकाला इन्होंने, ये किसने बताया था अभी,
गलत हो गया था। हेलो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 230 माइनस 22, तो ये हो जाएगा अपने पास में 208 वोल्ट। ये किसका आया, वी क्यू का। तो वी क्यू का कितना आया, 208 वोल्ट। बताइए कि मुझे दुनिया के लिए बता है। अच्छा, तो वी आर का बताओ, वी आर का। वी आर का बताओ, सॉरी। वी आर का। देखिए अब यहाँ से ये वाला करंट छोड़ दोगे, इस वाले करंट को नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि ये वाला करंट यहीं पर रह गया हो। अब यहाँ से कितना रह जाएगा आपके पास में, 25 माइनस कर दो 110 में से, तो कितना बच जाएगा आपके पास में, 85। ठीक है, तो आपका जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो देखिए इधर, देख इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा कि वी आर, दूसरा रुकिए एक सेकंड, देखिए तो ये क्या आ जाएगा, वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू माइनस VQR वी क्यू आर। और वी क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है, 42 point 85 माइनस के 0.5, वो सॉरी 85 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। 0.5 क्या है पता है क्या तुम्हें, ओम है, ये रेजिस्टेंस है इसका, तो जी सर। ये हो जाएगा अपने पास वी आर इज इक्वल टू, ये कितना आया है, 208 वोल्ट माइनस इसका कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर फोर्टी टू दो, फोर्टी टू पॉइंट फाइव 45। यस सर, 42.5। 42.5। ठीक है, 42.5 हो गया, इसको इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस 165.5 165.5। सर। ये आ गया अपने पास में वी आर। ठीक है, वी आर के बाद में वी एस निकालना है और वी टी निकालना है। क्वेश्चन दिखाई ये लो, इसको आप सॉल्व करोगे खुद से, और सॉल्व करके कल फिर आपको अच्छी तरीके से और बता। और सुनो, 1:30 बजे से अपनी लैब है, तो लैब में आप यही वाला क्वेश्चन मैं करा दूंगा दोबारा से, एक और क्वेश्चन है तो, और लैब आपको सभी 1:30 बजे से ज्वाइन करनी है। ठीक है, 1:30 बजे से आपको लैब भी ज्वाइन करनी है।